आज हम देखेंगे Realme 2 का टच पैड का सलूशन कि टच पैड अगर वर्क नहीं करता है तो हमें कौन कौन सी लाइन डिस्प्ले जैक पर चेक करनी है और वो लाइनें किन किन कंपोनेंट से पास होकर कहाँ पर आती है। ठीक है, तो इन सारे कंपोनेंट को देखेंगे और सारी लाइन को देखेंगे कि वो सारी ट्रैक लाइन कहाँ से आती है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये बोर्नियो स्कीमेटिक में हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ जो CPU से निकलने वाली 6 बॉल्स हैं जो कि टच की सप्लाई होती हैं, टच की डेटा की लाइन, टच की क्लॉक की लाइन, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसमें यहाँ पे सबका जो नाम है वो अलग अलग है। जो ब्लू लाइन है वो यहाँ पे MOSI की पिन है टच पैड की, यहाँ पे MISO की पिन है, यानी एक इनपुट है और एक आउटपुट है। ठीक है, ये आपका SPISCSN की पिन है, SPI यानी कि क्लॉक है, यहाँ लिखा हुआ है I2C की लाइन है ये बैगनी वाली, और यहाँ जो आपका रेड में जो है ये भी I2C की क्लॉक लाइन है, ये SPI है, ये CSN और ये CSN और SCK, ये दोनों अलग अलग बॉल्स हैं, ये दोनों I2C की लाइन है। यहाँ पे आपकी ये MISO इनपुट और M आउटपुट SI, ठीक है, ये इनपुट आउटपुट, और यहाँ पे टच पैड की इंट लाइन ऑरेंज वाली है और येलो वाली टच पैड की रीसेट लाइन है। तो यहाँ से ये 6 लाइन जो हैं ये निकलती हैं और यहाँ से कैपेसिटर से एक साइड से पास होके डिस्प्ले जैक की तरफ निकलती है। अब डिस्प्ले जैक पर इन 6ों के अलावा एक एक्स्ट्रा सप्लाई होता है 1.8 वोल्ट का जो कि पावर आईसी से आता है। ठीक है, और वो जो पावर आईसी होता है वो हमारा यहाँ नज़र आ रहा है, रेड वाली लाइन जो है ये हमारा 1.8 LCD के लिए जाती है, और ये जो पावर आईसी है वो हमारा PM8953 है, यहाँ से हमारा 1.8 वोल्ट LCD पर आती है। अब यहाँ पे जो पिने हैं ये 6, इन पर देखेंगे कि यहाँ पे रेड वाली जो क्लॉक की है ये हमारा जा रही है पिन नंबर 6 पे, यहाँ से हम पिन की काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 6 पे आ रही है, 7 पे आ रही है, 8 पे आ रही है, 9 पे आ रही है, 10 पे आ रही है, 11 पे आ रही है, 6 to 11 आपकी यहाँ पे 6 पिन जो है वो इंगेज होती है टच पैड के लिए, और आपका LCD पे 1.8 वोल्ट 16 नंबर पर आएगी। ये सारी सप्लाइयाँ जो हैं डेटा क्लॉक की और एंट की और रीसेट की लाइन, ये रीसेट की लाइन के साथ ये सारी सप्लाइयाँ जो हैं CPU से आ रही हैं जबकि एक पावर जो है वो हमारा पावर आईसी से आ रही है। अब हम देखेंगे कि ये जो रीसेट की लाइन है और ये जो डेटा की लाइन है वो किस किस कंपोनेंट से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको एक कैपेसिटर नज़र आ रहा है डबल पैकेट रजिस्टर के पास, इससे कनेक्ट होती है, ये बैगनी वाली यहाँ से कनेक्ट है, और येलो वाली यहाँ एक रेजिस्टेंस को पास कर रही है रीसेट लाइन, यानी कि अगर ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाए तो हमारा रीसेट लाइन में प्रॉब्लम आ सकता है जिससे टच वर्किंग में प्रॉब्लम होगी, तो हम इस रेजिस्टेंस को मिला सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम है कि नहीं, या फिर हमारा ये वोल्टेज मिस हो जाए, यहाँ पे एक कैपेसिटर से है, कैपेसिटर शॉर्ट होने से भी हमारा ये रुक सकता है यहाँ पे क्लॉक की लाइन, और ये जो वोल्टेज है 1.8 वोल्ट अगर ये पावर आईसी से नहीं आएगी तो भी हमारा टच का प्रॉब्लम हो सकता है। और देखते हैं ये किसी कंपोनेंट से पास हो रही है, नहीं, ये एक कैपेसिटर से एक साइड से फिल्टर होके निकल रही है और ये सीधे हमारे डिस्प्ले के जैक पर आ रही है। तो 1.8 वोल्ट जो है वो डिस्प्ले के पास में कौन से कंपोनेंट से कनेक्ट है उसको देखते हैं। तो ये डिस्प्ले के पास में किसी कंपोनेंट से कनेक्ट नहीं है, सीधे पिन नंबर 16 पर आती है। तो आपको पिन नंबर 16 पर GR मिलना चाहिए, ठीक है, 400, 450, 500 के आसपास, और इन सब पे 6 पिनों पे आपको GR मिलनी चाहिए। अगर GR मिल रही है इसका मतलब कनेक्टिविटी है, अगर कोई भी GR मिसिंग है तो आप उसी लाइन को ट्रेस करेंगे कि वो लाइन कहाँ से आ रही है। अगर वो लाइन मान लीजिए ये वाली निकली सबसे ऊपर वाली पर्पल लाइन, इस पर 7 नंबर पर अगर GR नहीं आ रहा है
तो हम क्या करेंगे, 7 नंबर से एक जम्पर उठा के इस कैपेसिटर पर यहाँ सोल्ड कर देंगे, जिससे हमारा टच पैड वर्क करना शुरू कर देगा, ठीक है। और अगर ऑलरेडी वो यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी शो कर रहा है, इसका मतलब हमारा ये जो बॉल्स है वो सीपीयू के अंदर से डैमेज है, तो हम सीपीयू के उस साइड में हीट लगाएंगे जिस साइड में वो बॉल्स है, या फिर सीपीयू को रिवॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये, अगर ये वाली लाइन जो है MISO की, टच पैड की जो लाइन है, अगर ये हमारा GR नहीं देता पिन नंबर 9 पर, तो हम यहाँ से एक जम्पर उठा के यहाँ जोड़ सकते हैं, जिससे हमारा GR आने लगेगा। या फिर अगर ये GR CPU से नहीं आ रही है, तो CPU के पास, जैसे कि मैं बता दूँ आपको, CPU के जिस साइड में ये बॉल्स हैं, हम वहीं पर ग्लू को कटर से कट करके और पेस्ट लगा के हल्की सी हीट देंगे पहले। अगर ये सॉल्व हो गया तो ठीक, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो मैं पूरा CPU निकाल के हमें रिवॉल्व करना होगा, जिससे हमारी ये लाइनें सही हो सकती हैं। और अगर CPU में डैमेज होगा तो ये लाइनें हमेशा के लिए चली जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा कंपलसरी वोल्टेज है 1.8 वोल्ट टच के लिए, अगर वो नहीं आएगा तो टच इनेबल नहीं होगा, ठीक है। टच की इनेबल सप्लाई है वो, टच इनेबल नहीं होगा तो टच काम नहीं करेगा, केवल डेटा आने से काम नहीं होता है, उसके साथ साथ सप्लाई भी चाहिए टच की। तो टच की डेटा और सप्लाई दोनों अगर मिल जाएगी तो हमारा टच वर्क करना शुरू कर देगा। तो ये डिस्प्ले जैक है जिस पे आपकी ये 6 लाइनें हैं, 6 से लेके 11 तक, और एक 16 नंबर की पिन पर आपका 1.8 वोल्ट आनी चाहिए इनेबल सप्लाई टच की। तो आशा करता हूँ आप इसे ट्रेस कर पाएंगे। और ये फ़ोन है Realme 2 का, Realme 2 में आपको अगर टच नॉट वर्किंग, टच काम नहीं कर रहा है, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें, आपका सोल्यूशन ज़रूर हो जाएगा यहाँ से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे आप एक डायग्राम की मदद से आप उसे आसानी से ट्रेस कर सकें। थैंक यू।